खत्म होने वाली है, आगे डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और जो लोग हैंडरेज कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो अपना हैंड डाउन रखें, जब आपको बोलने का मतलब जब आपको हम लोग बोल लेंगे तो आपको बोलने का बिल्कुल मौका सभी को दिया जाएगा। तो फिर से स्वागत है सभी का। जैसे आप लोग जानते हो कि हमारी जो कंपनी है वो अब झूठ के पुलों पर खड़ी हो चुकी है। इतना झूठ मतलब शायद ही किसी और ने बोला होगा। जैसे पहले आप जानते ही होंगे कि हमारे सीएमडी सर जिन्होंने कि बोला था अपना लाइव स्ट्रीमिंग में वीडियो डाला था क्लिप, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने आज से वो शुरुआत कर दी है अगस्त का पेमेंट करने का। तो अगस्त का पेमेंट का अगर उन्होंने शुरुआत कर दिया था तो आपको पता होना चाहिए, अगर 31 तारीख को सभी को मतलब बहुत सारे लोगों को 18 रुपए 36 रुपए करके आए थे तो आज ऑलरेडी 8 तारीख हो चुका है। तो ये पेमेंट क्यों नहीं आया? और उसके बारे में अगर बोलूं, उससे पहले भी इन्होंने ये काम किया था कि 9000 वाली आईडी को आधा देंगे वॉलेट कैश वॉलेट में और आधा देंगे उसको वीकली देंगे करके 103 रुपया करके बांटा था, लेकिन वो भी एक ही बार बांटा था। 990 इन्होंने बोला था कि जो लोग एक्टिव करेंगे उनको हम आगे बोर्ड रेंट देते जाएंगे। अब देखिए 9000 आईडी ही खत्म कर दी और सारे आईडियो को एक्टिव कर दिए थे और उसको भी प्रोडक्ट कोई लिया नहीं लिया, जो भी है उसको काट कूट के सेटलमेंट में डाल दिए कि हो गया भाई सेटलमेंट। तो इनकी जो नियत है वो साफ, बिल्कुल साफ, आईने की तरह साफ है कि ये किसी को कुछ भी नहीं देने वाले हैं। हम अक्टूबर 26 से बिल्कुल ये सारी चीजें जानते हैं और अभी लोग पूछते होंगे या अपने मन में बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि अक्टूबर 26 से क्यों शुरू अगर किए थे तो उसके बाद में आप पॉजिटिव क्यों हो गए? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अक्टूबर 26 से जब ये शुरुआत हुआ था वो क्यों हुआ था, अगर आप ये क्यों को समझ लेंगे तो आपको भी बिल्कुल 100% क्या 1000% आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसे हम लोगों ने देखा कि मैग्मा वर्ल्ड करके कंपनी इन्होंने चलाना शुरू कर दिया है बाहर में और जून के महीने से ही इंडिया में इनकम देना इन्होंने बंद कर दिया था। सभी को पता है, भली भांति लोग जानते हैं, शायद हर्ष भाई का अभी पहला पेमेंट जो अपना स्टोर का वो भी जून ही महीने में उन्होंने लिया था और जून के महीने में मैं हेड ऑफिस में ही था 5 या 6 तारीख को, तो ये मेरे को भली भांति याद है। तो जून के 6 तारीख तक इधर पेमेंट खाली फ्रेंचाइजी ओनर्स के हुए और किसी का पेमेंट नहीं दिया, लेकिन वहां 6 जून को मैग्मा वर्ल्ड शुरू हो गया और वो भी धीरे धीरे वियतनाम कंबोडिया इंडोनेशिया और हांगकांग में चलने लगा। तो सीधा सा हिसाब है, सीधी बात है कि अगर आप बाहर कंपनी चला रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर चलाइए, उसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां बंद करके वहां क्यों? अगर आपको चलानी ही थी तो आप इधर भी
माहौल को ठीक कर सकते थे, लेकिन लेकिन अभी सभी को ये चीज पता लग रहा होगा, शायद ही उनका नियत नहीं था। अगर नियत होता तो आज ये सब सही हो गया होता। तो ये जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग फैक्ट्स के ऊपर ही बात करते हैं, तो ये जो भी फैक्ट्स थे वो इनके नियत को दर्शाता है। क्योंकि अगर मैं कोई नया काम शुरू करता हूं, चाहे भले ही मैं किसी के साथ में टाई अप में करता हूं या जो भी है, इनका बहुत सारा एक्सक्यूज होता है, क्योंकि 6 जून को मैग्मा वर्ल्ड का वेबसाइट बना, तो जाहिर सी बात है कि 6 के बाद ही वो कंपनी एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि जून में। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो ये लोग क्यों नहीं उसी पैसे से इंडिया में बिजनेस को और संभाले। हो सकता है नियत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख बहुत सारे आइडिया ले लिए थे। अभी मैं अगर और आगे बताऊं, जैसे आप सभी को पता है 9000 की मल्टीपल आइडिया, उससे पहले 12000 का लॉजिस्टिक जब इन्होंने बंद किया, मई महीने में इन्होंने 12000 का लॉजिस्टिक इनकम बंद किया था। तो जब 12000 का लॉजिस्टिक इनकम बंद हुआ, तब इन्होंने खाली ओनली 1 मंथ का टाइम दिया, उसके बाद में तुरंत उसको बंद कर दिया। लेकिन जब 9000 का मल्टीपल आईडी बंद करने का टाइम आया, तब डेट सरकते चले। इसका मतलब क्या था, क्यों था? और उसके बाद फिर डिक्लेयर हो गया कि हाँ ये बंद हो गया, लेकिन क्या था, आप अपने टॉप लीडरशिप से अप्रूवल लाओ और चोरी चुपके 11 आईडी लगाते जाओ। इसका मतलब क्या था, ये किसकी गलती थी? चलिए ठीक है, मान लेते हैं लीडरों ने गलती की। तो जब 12000 आईडी आपने एक ही महीने में खत्म कर दिया, तो आपने 9000 मल्टीपल आईडी क्यों नहीं खत्म किया? फिर आता है पावर। ये जो पावर का भयंकर खेल है, शायद जितने भी लोग होंगे वो जानते होंगे, जिसके लिए आज ये साले लीडर, जितने भी टॉप लीडर्स हैं, मैं उनको बोल रहा हूं, इसीलिए आज वो चुप बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको एक पावर लेग दे दिया। तो वहां पे एक आदमी को जोड़ो 9000 से, 900 रुपया घुस गया। एक स्टोर डालो, 40000 घुस गया। तो ये लोग तो बेईमानी करेंगे ही करेंगे। आपने वो सिस्टम किया ही क्यों? उसको इधर से ले लो, उधर डाल दो, उधर से ले जाओ, उधर डाल दो। ये जो सिस्टम था आपने, वो किया ही क्यों? तो ये जो भी सारी चीजें हैं, वो बहुत ही हानिकारक और बहुत ही घातक हुआ है कंपनी के लिए। और दूसरा चीज जो कि आज तक आप लीडर्स को किस हिसाब से देखते हो, लीडर्स को आप देखते हो उनके अचीवमेंट यानी रिवार्ड के हिसाब से। क्यों भाई, क्यों रिवार्ड के हिसाब से? इसका मतलब यही है कि आपने खुद ही इसको एक इन्वेस्टमेंट प्लान बना दिया था। क्यों आप टीम के हिसाब से प्रायोरिटी नहीं दिए? क्यों आपने इसको टीम के हिसाब से लोगों को मतलब अपना स्टेटस नहीं दिया कि हाँ रिवार्ड इस हिसाब से, हम जो लीडर ओरिजिनल है उनको उस हिसाब से लेंगे। गोलू जी रुकिए, बात करने को आपको टाइम दिया जाएगा, बिल्कुल आप थोड़ा मतलब इंतजार करिए। तो यहाँ पे स्टार पर्ल और जो भी डायमंड एमराल्ड जो भी था, इन लोगों को आपने कभी मौका नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आप क्या चाहते थे? BMW अचीवर, बंगलो अचीवर, घंटा, जिसको नेटवर्किंग का नौ मालूम नहीं है, वो सब लीडर बन के बैठ गए। अभी उनको प्लान पूछो, कुछ नहीं।
कंपनी का मीटिंग जूम मीटिंग घंटा कुछ नहीं, ट्रेनिंग जीरो, क्यों क्यों नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में किसी को कुछ मालूम ही नहीं, तो ये किसकी गलती थी। तो ये जो खेल खेल रहे हैं, ये जो भी सारा जितना भी सिस्टम इनका चल रहा है वो इसीलिए है क्योंकि ये पहले दिन से ही पैसा बनाने का ही चक्कर कर रहे थे कि आप ले आओ जितना ला सकते हो ले आओ, जिसका कि नमूना आपको 15 से 31 दिसंबर तक दिखा, 9000 मल्टीपल जितना आईडी आप लगा सकते हो दिसंबर 31 तक लगा लो 9000 वाली, और जनवरी में आके कहते हैं कि 9000 आईडी खत्म, अब 2700 कुछ या 500 वाली आईडियां लगनी शुरू होंगी। आपको क्या 15 दिन पहले मालूम नहीं था? तो आज ये जो खेल चल रहा है जो कि हम लोग अक्टूबर से कर रहे हैं, वो बीच में पॉजिटिव क्यों था, अगर कोई उसका भी जवाब जानना चाहता है तो मैं आप लोगों को बताऊं, बहुत सारे लोगों को इन्होंने लगा दिया कि मुट्ठी भर लोग हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कंपनी को चलाना नहीं चाहते हैं या नहीं चलाने देते हैं या चाहते ही नहीं कि कंपनी चले। दूसरा चीज है, वहां पर उन्होंने क्या बोला, वहां पर उन्होंने ये भी बोला कि ऐसे लोग हैं जो हम लोगों को आगे काम करना करने देना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अरे आज तक चुप बैठे थे और आज जब कंपनी कुछ करने जा रही है ये लोग बहुत उछल रहे हैं, तुम क्यों उछल रहे हो भाई। तो चलो भाई ठीक है, कंपनी करने जा रही थी कि हम उछल रहे थे इसीलिए कंपनी कर रही थी, वो अब अभी सभी के सामने है, जब हम लोग चुप मार गए, जब हम लोग पॉजिटिव हो गए, चलो थैंक यू फैजान खान, थैंक यू मुकेश त्यागी, जब हम करने लगे तो आपको दिख रहा है क्या काम हो रहा है। अब किसी का नहीं फट रहा है, अब कोई फाड़ नहीं रहा है कि कंपनी में काम क्यों नहीं हो रहा है। हमने जब चिल्लाना शुरू किया तभी इनके रेंट जाने शुरू हो गए, स्क्रीनशॉट दिखना शुरू हो गया, लेकिन आज कहां गए। तो जब फिर से अब हम चिल्ला रहे हैं, मैं तो लिख के देता हूं कि अब ये करने पर मजबूर होंगे, क्यों नहीं करेंगे तो मरेंगे। तो दिखावट तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आज सबके सामने ये कहता हूं, लास्ट टाइम 10 तारीख है, 9 तारीख अगर ये 100% एथिकल कमिटमेंट नहीं करते हैं, 10 तारीख जो है वो इनके लिए सबसे ज्यादा घातक होगा, जिसके जो परिणाम है इनको 7 दिन मैक्सिमम 17 तक दिखने लगेगा, असर बिल्कुल असरदार होगा। और मैं हर्ष भाई को भी ये कहूंगा, अगर हर्ष भाई है मीटिंग में, पता नहीं हर्ष भाई, ये जो आपसे बात हो रहा है मुकेश त्यागी का, या जो भी चैटिंग हो रहा है, आप जो भी स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, वो सारा एक लॉलीपॉप का ही हिस्सा है, ये पूरा सीख गया है कि वैसे ही करो ऐसे ही करो और टाइम पास करते रहो, हम करेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, खोलेंगे। अरे जब नवंबर में तुमने बोला कि 10 स्टोर खोल देंगे, दिसंबर में बोला कि 30 तक हम 100 कर देंगे, अब जनवरी चल रहा है भाई, कितना किया। मैं अगर दोहराऊं, 5 तारीख नवंबर के 5 तारीख में इनके साथ में हमारा जूम मीटिंग हुआ था, जिसमें नंदलाल जी, मैं, विवेक भाई, उस्मानी भाई, जयशंकर जी, हर्ष भाई, बलजिंदर जी, तो ऐसे पांडे जी, विपिन भाई, शायद ऐसे करके हम 8-9 लोग थे। उसमें भी इन्होंने कमिटमेंट किया था, लेकिन आज तक कोई भी कमिटमेंट पूरा नहीं हुआ है।
तो मैं आपको इतना कह सकता हूं, जो भी लोग यहां सुन रहे हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं, 10 तारीख इनके लिए बहुत घातक होने जा रहा है, जो कि ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हुआ, क्योंकि ये जो कमिटमेंट पे कमिटमेंट किए जा रहे हैं और सारा झूठ वो आगे बर्दाश्त किया ही नहीं जाएगा, भले ही आप प्लान लेके जो भी करें। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं जितना जानता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग एक ट्रस्ट के ऊपर बना हुआ बिजनेस होता है। क्यों? क्योंकि किसी को कंपनी नहीं दिखता है, हम जैसे लोग ही जाते हैं, सामने वाले को बताते हैं और वहां पे उसको ये दिखाते हैं कि देख भाई, मैंने डाला था, मेरे को 900 आ रहा है, मेरे ऊपर वाला ने 5 लाख डाला था, उसको देखो 40,000 करके आ रहा है या 10,000 करके आ रहा है, जो भी है, कोई कंपनी को देखने नहीं जाता है। और ये एक भरोसे वाला बिजनेस होता है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस विच इज मेनली बेस्ड ऑन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। तो जब वही ट्रस्ट आप खत्म कर चुके हो, तो आप कहां से सोच रहे हो कि आपकी ये कंपनी दौड़ जाएगी। मैं तो लिख के देता हूं, किसी ना किसी मोड़ पर आपको ऐसा एक बंदा मिलेगा जो कि आपसे चोट खाया हुआ होगा, तो अगर आपका कोई वहां से गुजरे भी ना, तब भी वहां फिर आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा, भले ही आप जितने नए लोगों के साथ में काम कर लो। तो आपको मैं भली भांति जानता हूं कि हमारा ये मीटिंग हमेशा आप सब सुनते हो, तो मैं यहाँ पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि समझदार बनो, और जो हमने पहले दिन बोला था, एक एक पेमेंट सबका अकाउंट में डालो, अगर आप नहीं करते हो तो 10 तारीख के बाद जो होगा उसके लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, और उसके लिए ओनली MD मुकेश त्यागी ही जिम्मेदार रहेगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड रेंट भी एक्सिस कॉर्प देता था और फ्रेंचाइजियों का पेमेंट भी एक्सिस कॉर्प से ही आता था। तो मैं शायद, मतलब आज मेरा दिमाग बहुत गर्म हो गया था, तो क्योंकि ये जो खेल खेल रहे हैं ये काफी दिनों से चल रहा है और आगे और पेशेंस नहीं है। राकेश भाई अगर आप सुन रहे हो तो आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा पानी पी लूं, मेरा दिमाग आज पूरा आउट है। राकेश भाई, हाँ जी ना, बहुत बढ़िया गौतम जी, बहुत बढ़िया, काफी बारीकी से आपने सारी चीजों को रखा हमारे सामने। सभी दोस्तों को नमस्कार, और मैं बोलूंगा, ये बात जरूर बोलूंगा कि मंच का जो संचालक होता है वो अपनी बारीकी और सूझबूझ के साथ ही चीजों को रखता है। वो चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से रखा, क्योंकि जो संचालक होता है वही कार्यक्रम की दशा और दिशा को निर्धारित करता है। दोस्तों, गौतम जी ने जो चीजें रखी हैं वो काबिले तारीफ है, ये हकीकत है, और मैं चाहूंगा कि मुझे भी आप लोग शांति से 10 मिनट सुने, क्योंकि पहले हम फ्लैशबैक में जाएंगे, जो हमारे साथ घटनाएं हुई उन सारी चीजों को हम समझेंगे, फिर आगे हम बात करेंगे आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा पे। तो मुझे ये भी पता है कि हमारे धृतराष्ट्र या उनके चमचे यहाँ पे होंगे, मैं उन्हें धृतराष्ट्र इसलिए बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग से आज तलक उन्होंने अपने आंख पे पट्टी बांध रखी है, उन्होंने किसी की भावनाओं को न समझा है और ना आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं MD और CMD साहब की तरफ जाना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हमारे CMD साहब, कुछ दिन पहले उनका मैंने एक वीडियो देखा था, वहां उन्होंने कहा था कि हमारी कंपनी 4 साल नहीं 400 साल तक चलने वाली कंपनी है।
आपने उन्होंने ये भी कहा था कि हम दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनने जा रहे हैं। आपकी बातों में कितनी सच्चाई है साहब, आज लोगों के सामने है। अरे साहब, इंडिया की दुकानों में तो पूरी तरह से माल भरा नहीं जाता और आप चले जाते हैं दुबई में मॉल बनाने के लिए। सर मानी चाहिए आप लोग को। 50 करोड़ का मॉल का भारत का सपना दिखाकर आप लोगों के साथ पैसा इकट्ठा करते हैं और दुबई में जाकर बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है इमोशनल ब्लैकमेल की, और फिर हमारे मासूम लोगों को इसके जाल में फंसाया जाता है। देखो, हम भारत मॉल बनाने जा रहे हैं, भारत मॉल बनाने जा रहे हैं, हाँ, और लाखों करोड़ों हमारे मासूम भाई उसमें पैसा डालते चले जाते हैं बिना किसी मतलब सोची समझी, इनके रणनीति की साजिश की चुंगुल में फंस जाते हैं। यहाँ पे इनकी कंपनी ने किसी ने अपनी सेविंग से पूंजी लगाई है, तो किसी ने अपने गिरवी अपना घर गिरवी रखा है, तो किसी ने बैंक से ब्याज लेकर लोन लगाया, लोन लेकर इनके यहाँ पैसा डाला इस आशे पर कि भविष्य में ये हमें कुछ लाभ देंगे। मगर आपने तो इनकी लाश पर ही खेलकर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आज हम सिर्फ एक मोतीलाल को जानते हैं और ना जाने कितने मोतीलाल अपनी इस विडंबना पर रो रहे होंगे, और हर दिन कोई ना कोई मोतीलाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप दुबई में जाकर अच्छे बड़े एरिया में रहते हैं, थाईलैंड, चाइना, यतलाम जैसे जगहों पर अपने बिजनेस को चला रहे हैं। जैसे हमारे गौतम भाई ने कहा, ये सही बात है। अरे भारत साहब जी, जो गौतम भाई ने कहा जीडी स्क्वाइन के बारे में, इसी से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूं कि थाईलैंड और चाइना और यतलाम में अपने बिजनेस को यहाँ भले मतलब सुचारू रूप से चला रहे हैं और यहाँ के सारे बिजनेस ठप पड़े हुए हैं। अरे आपने तो मतलब क्या बताऊं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है और आप ये अपना देश छोड़कर चले जाते हैं बिजनेस करने के लिए बाहर, और कहते हैं कि पैसा नहीं। सर माननी चाहिए आप लोगों को। गौतम भाई, इन्होंने जो तारीख का जो सिलसिला चालू रखा है, इन्होंने मजाक बना के रख दिया है। हाँ, हर 15 दिन में आते हैं और तारीख देकर चले जाते हैं। क्या सनी देओल की फिल्म बन रही है यहाँ पे? सालों चूतियों, मैं तो मतलब इतनी मुझे गाली देने का मन करता है कि क्या बताऊं मैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा इन हराम खोरों से कि फिल्म तो हम दिखाएंगे आपको, फिल्म हम दिखाएंगे 10 तारीख, ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है कि 15 से 17 तारीख के बीच में इन हरामखोरों को फिल्म हम दिखाएंगे, जिसका प्रोड्यूसर हम हर्ष भाई और विवेक जी को बनाएंगे और डायरेक्टर मैं खुद रहूंगा, और बाबा के दरबार में इनकी मुलाकात कराएंगे और वहीं पे शूटिंग की जाएगी और सारे मीडिया के जरिए इनका टेलीकास्ट चैनल पे किया जाएगा। इस हरामखोर जो एमडी है हमारे, इसको अच्छी तरह पता है कि इसके नाकों में नकेल कौन डाल रहा है, और ये धीरे धीरे टाइम पास करते हुए चीजों को उठाने की कोशिश कर रहा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, हमारा मकसद था हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना, और हमारा डेस्टिनेशन था मुकेश त्यागी। कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, और हम पहुंचे भी मगर बीच में हम लड़खड़ा गए। मैं देख रहा हूं, जैसे कल विवेक भाई ने कहा कि हम आके खाली बातें कर रहे हैं, चीजें वहीं के वहीं हैं, लोग आगे बढ़कर आ नहीं रहे। विपी जी ने भी काफी लोगों को बुलाया कल कि कितने लोगों ने एफआईआर किया बताएं, तो चीजें आपके सामने हैं।
तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारा डेस्टिनेशन है सिर्फ मुकेश त्यागी और उस पे ही काम करना चाहिए, और बाकी सब बातें तो फालतू हैं, करके कोई मतलब नहीं है। बातें बहुत हो चुकी सर, बातें इतनी करनी थी हमने कर ली है, और अत्यंत दुखी मन के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि थोड़ा हर्ष भाई से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, अगर हर्ष भाई सुन रहे हो तो, कि हर्ष भाई ऐसा है कि देखिए हम लोग जिस डेस्टिनेशन पे थे, जो हमारा मकसद था, हम मकसद के बहुत करीब थे, लेकिन पता नहीं क्यों आपने उन्हें 10 दिन की और टाइम आगे दे दी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, अगर बातें अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन हकीकत यही है कि सारे पेपर वर्क हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, फिर भी चीजों को आप आगे नहीं बढ़ा रहे। आज भी मेरी नंदलाल जी से बात हुई और हमने ये भी बात की, मैंने उनको भी पूछा कि भाई आके हर्ष भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा चीजों को। देखिए आज 8 तारीख हो चुका है, कल कंपनी के पास सिर्फ 1 दिन है बचा, कल और 10 तारीख, तो क्यों हम उनको टाइम दिए जा रहे क्यों? क्योंकि आपको भी पता है चीजें कुछ होने वाली नहीं है, ये कुत्ते की दुम है, कभी सुधरने वाले नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों को और ज्यादा टाइम ना दिया जाए, और हर्ष भाई से जरूर चाहूंगा कि मुझे आप इस मंच पर आके जरूर बताएं, मुझे ही क्या, सारे लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं कि आखिर जो दिल्ली जाने से पहले हर्ष भाई थे, वो हर्ष भाई आज क्यों नहीं आवाज उठा रहा। मुझे लग रहा है कि ये मेरा ही सवाल नहीं है, और भी लोगों के मन में सवाल होगा, क्योंकि मैं जब दिल्ली पहुंचा था तो मैं हर्ष भाई की आवाज को सुनकर पहुंचा था, मुझे नहीं पता था कौन हर्ष तिवारी है, कौन क्या है, बट मुझे लगा था कि एक शख्सियत है, कोई तो है जो इनकी बैंड बजा के रखा। तो मैं यही कहना चाहूंगा हर्ष भाई कि आप पहले वाला हर्ष भाई बनिए और लोगों को बताइए क्यों इतना डिले हो रहा है, क्या कारण है आखिर, क्यों चीजें नहीं हो रही हैं, क्यों आगे बढ़ नहीं हो रहे, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, बातें करने से नहीं होगा सर, बातें हमने बहुत कर ली है, अब एक्शन मोड में आने की जरूरत है हमको, इन कमीनों को बताना है हमें कि हम क्या कर सकते हैं, पेपर वर्क सारी चीजें तैयारी है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ रहे क्यों। आज भी नंदलाल अंकल को मैंने कहा कि उन हर्ष भाई को पूछिए, अगर वो नहीं करना चाहते हैं या कुछ दिक्कत है उनके साथ तो हम मिलके, लेकिन देखिए हम और नंदलाल जी या हर्ष भाई को सारी चीजें पता कि पेपर वर्क कहां तक हो चुका है, नहीं हुआ। तो मैं ये कहना चाहूं, देखिए मुझे ये बोलते हुए अच्छा भी लग रहा है कि मैं और नंदलाल अंकल